एक बार किसी देश का राजा अपने प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांवों में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके कुर्ते के सोने के बटन की झालर टूट गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि इस गांव में कौन सा सुनार है जो मेरे कुर्ते में नया बटन बना सके। उस गांव में सिर्फ एक ही सुनार था जो हर तरह के गहने बनाता था। उसको राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा कि तुम मेरे कुर्ते का बटन बना सकते हो। सुनार ने कहा, हुजूर यह कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने कुर्ते का दूसरा बटन देखकर नया बना दिया और राजा के कुर्ते में फिट कर दिया। राजा ने खुश होकर सुनार से पूछा, कितने पैसे दो। सुनार ने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। उसने मन में सोचा कि सोना राजा का था, उसने तो सिर्फ मजदूरी की है और राजा से क्या मजदूरी लेनी। राजा ने फिर से सुनार को कहा कि नहीं नहीं बोलो कितने दो। सुनार ने सोचा कि 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन में विचार आया कि कहीं राजा यह न सोच ले कि एक बटन बनाने का मेरे से 2 रुपए ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा और कोई सजा न दे दे, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपए की कीमत बहुत होती थी। सुनार ने सोच विचार कर राजा से कहा कि महाराज जो भी आपकी इच्छा हो दे दो। अब राजा तो राजा था, उसको अपने हिसाब से देना था, कहीं देने में उसकी इज्जत खराब न हो जाए। और उसने अपने मंत्री को कहा कि इस सुनार को 2 गांव दे दो, ये हमारा आदेश है। यहाँ सोनी जी सिर्फ 2 रुपए की मांग का सोच रहे थे, मगर राजा जी ने तो उसको 2 गांव दे दिए। इसी तरह जब हम ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो अपने हिसाब से देता है, और हम लेने वाले उनसे मांगने में कंजूसी कर जाते हैं। देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है, लेकिन हम अपनी हैसियत से बड़ी तुच्छ वस्तु मांग लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, ईश्वर को सब कुछ अपना समर्पण कर दो, उनसे कभी कुछ मत मांगो, जो वो अपने आप दे बस उसी में संतुष्ट रहो, फिर देखो उसकी लीला, वारे के न्यारे हो जाएंगे। जीवन में धन के साथ संतुष्टि का होना जरूरी है। आप सब लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। प्लीज कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।